दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे वजह है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में ज़बरदस्त गिरावट। अगर ये गिरावट न होती तो स्टॉक नीचे नहीं आता। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जुलाई महीने के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। तो अच्छे से समझेंगे इस सारी संभावनाओं को। और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रोकिंग बिजनेस शुरू होने के पहले पहले आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार ब्रोकिंग बिजनेस शुरू हो गया तो फिर इस प्राइस में यह शेयर नहीं मिल पाएगा, यानी आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना है। यहाँ पे जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है, क्या इस लेवल पर कुछ खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस क्या इसमें निवेश कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो आज 22,596 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 431 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, यानी 1.87% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। बाजार में भी 700 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेक्स में, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट बड़ी थी और नतीजा ये रहा कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई कल की क्लोजिंग के आसपास ही, यानी 329 पर। और इंट्राडे में स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, 336 तक चला गया, लेकिन जैसे ही बाज़ार में गिरावट का माहौल बनने लगा ये स्टॉक भी नीचे आ गया, क्योंकि बाज़ार बहुत ज़बरदस्त गिरा। और ऐसे में अगर आप देखें तो ये तो ऑलरेडी थोड़ा सा स्टॉक इस समय वीक लग ही रहा है, तो यहाँ पर भी बिकवाली शुरू हो गई और 322 का इसने इंट्राडे में लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 323 के आसपास रही 1.87% की गिरावट के साथ। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की भारी भरकम गिरावट के बावजूद भी 2% से कम की जो गिरावट, वो इशारा कर रही है कि स्टॉक इतना कमज़ोर नहीं है इस लेवल पे। तो इस समय मार्केट एक्सपर्ट कुछ ऐसे स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, जो इस समय इतने खास नहीं दौड़े। जियो फाइनेंस सर्विस अपने ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करने की वजह से काफ़ी इस समय चर्चा में है और एक्सपर्ट इस स्टॉक खरीदने की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट कुणाल बोथरा ने जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर की खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्तरों पर यह शेयर काफ़ी आशाजनक लग रहा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्टॉक शॉर्ट टर्म में 5-6% का रिटर्न दे सकता है। तो हाल ही में कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है जिसमें स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने 4 महीने पहले ही वेल्थ मैनेजमेंट और स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में उतरने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए ब्लैक रॉक इंक और ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में 50-50% की जॉइंट वेंचर्स बना दिए, यानी जो बड़े विदेशी निवेशक है, जो फंड हाउस है, वो जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ में जुड़ चुके हैं और दोनों मिलकर इस बाज़ार में तहलका मचाने को तैयार है। क्योंकि रिलायंस का एक ये नेचर है, जब भी वो किसी बाज़ार में जाते हैं मार्केट लीडर बन के ही रहते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो ब्रोकिंग का बिजनेस है उसमें ब्रोकरेज सर्विस क्लाइंट को एक्सपर्ट एडवाइज, इन्वेस्टमेंट एडवाइज और मार्केट रिसर्च सपोर्टेड स्टॉक बॉन्ड वैल्यूज म्यूचुअल फंड्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, यानी दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस है उसके मुकाबले इनका जो पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत होगा और अट्रैक्टिव होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस समय बाज़ार में बहुत सारे ब्रोकर हैं जिसमें आप जीरोधा को देख सकते हैं, अपस्टॉक्स है, फाइवपैसा.com, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान और एंजल वन, ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज जो मार्केट में इस समय इस्टाब्लिश है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही काम करें। लेकिन अब उनको भारी टक्कर मिल सकती है जियो फाइनेंशियल के स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस से। तो यहाँ पे कुणाल बोथरा ने जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए मौजूदा स्तर पर 5-6% की तेज़ी की संभावना व्यक्त की है और इन्होंने इसके लिए 346 का टारगेट सेट किया है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है जियो फाइनेंशियल जैसे शेयर में दाव लगाने का। इस समय बाज़ार में सभी स्टॉक दौड़ चुके, जियो फाइनेंशियल अपनी 394 की हाई प्राइस से काफ़ी नीचे, ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस इसके काफ़ी अच्छे हैं।
जो आने वाले समय मार्केट में तहलका मचा सकते हैं। अब हमारे सामने जुलाई महीने का म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे देखो कि जुलाई महीने में जियो फाइनेंशियल सर्विस में 39 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया, यानी म्यूचुअल फंड ने बहुत जम के खरीदारी की है इस गिरावट का फ़ायदा उठा के। लेकिन सामने 32 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी बिकवाली भी की है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जितने म्यूचुअल फंड यहाँ पे निकले उससे कई ज़्यादा म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर चुके और ये इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड का निवेश जिनके 1000 करोड़ के ऊपर की निवेश है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ICICI प्रोडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 6643 करोड़ का निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर BS ने 5374 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1208 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 4662 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1566 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस निफ्टी इंडेक्स फंड रेगुलर ने 1650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे 16547 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है। कैनरा रेबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड ने यहाँ पे 11000 करोड़ का बड़ा निवेश किया है और कैनरा रेबेको एल्स टैक्स सेवर रेगुलर पे आउट इनकम ने 8457 करोड़ का शानदार निवेश किया है। इसके अलावा HSBC एल्स टैक्स सेवर फंड ग्रोथ ने 4556 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है। इसके बाद क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ने यहाँ पे 1196 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 24529 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और क्वांट अब्सोल्यूट फंड ग्रोथ ने 2295 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो पहले क्वांट की काफ़ी बड़ी निवेश थी लेकिन अब HSBC इसके अलावा कैनरा रेबेको इन सबके ने भी नवी एंट्री कर लिया, काफ़ी अच्छा निवेश किया है जो इशारा करे कि आने वाले समय में बहुत शानदार रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। और म्यूचुअल फंड इस समय इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश करें, आपके लिए भी एक अच्छा मौका है। कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:23 पर 330 की प्राइस से करीब 109,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:45 पर 336 की प्राइस से 117,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर उसी समय 9:45 पर 335 की प्राइस से 165,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो सुबह सुबह इसमें जम के खरीदारी शुरू हुई लेकिन दोपहर के बाद पूरा मामला पलट गया। बाज़ार में गिरावट का माहौल जैसे शुरू हुआ इसमें भी कुछ बिकवाली शुरू हो गई। अगर बाज़ार आज संभल जाता तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती थी। तो फिर देख सकते कि 2:01 पर 325 की प्राइस से 184,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 2:05 पर 324 की प्राइस से 210,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि गिरावट की वजह से यह कुछ बिकवाली हुई लेकिन बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। ऐसे में लग रहा है बिल्कुल कि ये जियो फाइनेंशियल आने वाले समय में कमाल कर सकता है। अब आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा लेकिन ऐसा ही जो आपके जो मन में जो वहम है वो पहले सुजलॉन को लेकर होता था जब उसकी प्राइस 7-8 रुपये के समय काफ़ी अटक गई थी। 8 रुपये की प्राइस तो 1.5 साल तक रही थी। लोग बार बार कमेंट्स भी कर रहे थे, कह रहे थे कि सर आप इस स्टॉक के बारे में इतनी बार वीडियो बनाते हो लेकिन इसकी प्राइस बढ़ती नहीं है, ये तो बढ़ेगा ही नहीं, ये तो धीरे धीरे करके 2 रुपये हो जाएगा। लेकिन आप देख लो कि वो 8 रुपये का स्टॉक 80 रुपये हो गया है। यही बात IRFC के समय थी जब IRFC के प्राइस 21-22 रुपये के आसपास चल रही थी और बढ़ नहीं रही थी। लगातार मेरे वीडियो बन रहे थे, लोगों को कह रहा था कि स्टॉक आने वाले समय शानदार रिटर्न देगा लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। वही 20-21 रुपये के आसपास का स्टॉक 200 तक चला गया। तो बिल्कुल जियो फाइनेंशियल में भी वैसे होगा, बस भरोसा रखें और इसमें निवेश को बनाए रखें, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ाई ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।